इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि दिल्ली की जेल भरी पड़ी है। तिहाड़ की क्षमता 10,000 है, लेकिन इसमें कैदी 23,000 हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके स्कूल सही से काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप इन स्कूलों और भरे पड़े जेल के बीच के संबंध को समझ पा रहे हैं? जब हाईकोर्ट ने दिल्ली के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट पढ़ी तो सरकार का वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का दावा चरमरा गया। एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने 2 साल पहले एक जनहित याचिका दाखिल की थी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव अशोक कुमार भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में क्या हुआ ये बताएंगे, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गाँव या शहर में आए तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को जरूर भरें। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं खबर पर। याचिकाकर्ता की रिपोर्ट देखते ही चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम की बेंच शिक्षा सचिव पर भड़क गई। कोर्ट ने क्या कहा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट में क्या निकला। और अभी जब कोर्ट ने हमको कहा कि आप स्कूल विजिट्स करिए, तो हमने स्कूल विजिट करके इनको रिपोर्ट दिखाई है। और रिपोर्ट में हमने दिखाया कि स्कूलों के अंदर अधिकतर स्कूलों में जो डेस्क है वो टूटे पड़े हैं, बिल्कुल उन पे बच्चे बैठे हुए हैं, हैं सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और एक स्कूल हमने बताया जो 13-14 साल से चल रहा है भजनपुरे में, वो पूरा स्कूल का स्कूल टिन के अंदर चल रहा है और 3600 बच्चे उसके अंदर पढ़े हैं, लड़के लड़कियाँ पिछले 15 साल से। तो कर क्या रहे हैं ये। और कई हमने दिखाया कि क्लास के अंदर 140 या 144 बच्चे हैं एक क्लास में, 2 सेक्शन लगे हुए हैं और उस टाइम 2 टीचर भी आते हैं, 2 टीचर भी क्लास ले रहे हैं। तो कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि भाई 2 टीचर क्या कर रहे हैं वहाँ पर है? और ये सवाल भी उठा कि 10 लाख बच्चे जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको आज तक ना बुक्स मिली हैं, ना उनको नोटबुक मिली है, ना उनको राइटिंग मटेरियल मिला है, जो राइट टू एजुकेशन का बेसिक अधिकार है। आपके हजारों बच्चे जो हैं वो कमरे के अंदर ठूस ठूस के बैठाया हुआ है आपने, है कोई पढ़ाई की नाम की हो नहीं सकती। टिन टिन शेड्स के अंदर बैठे हुए हैं, ओपन के अंदर बैठे हुए हैं, एक दिन बुलाते हो एक दिन उसको छुट्टी करते हो क्योंकि दूसरे बच्चे को एडजस्ट करना है, तो काय का स्कूल है ये। तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रिपोर्ट देखते ही कोर्ट ने शिक्षा सचिव को फटकार लगाते हुए कहा, आप सचिव हैं, आपको स्कूल के इस हालत के बारे में पता होना चाहिए था, जमीनी स्तर पर आ जाना आपका काम है। समस्या ये है कि किसी बड़े अधिकारी का बच्चा इन स्कूलों में नहीं पढ़ रहा है, इसलिए आपको स्कूल का फीडबैक नहीं मिलता। स्कूलों की ऐसी स्थिति की वजह से ही दिल्ली की जेलें भरी पड़ी हैं। तिहाड़ की क्षमता 10,000 है, लेकिन इसमें 23,000 कैदी रहते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल सही से काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद शिक्षा सचिव ने माना कि रिपोर्ट में लिखी हुई बातें सच हैं। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई में बेंच की बात मानकर उन्होंने स्कूलों का दौरा किया और तब पता चला कि वाकई स्कूलों में कई दिक्कतें हैं। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में ये सरकारी स्कूल बनाए गए हैं वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और खाली जगह सीमित है, जैसे ही दूसरी जमीन अलॉट होगी नए स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सचिव ने अपनी गलती मानी तो कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो अपने जूनियर अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। कोर्ट ने कहा कि आप अब रिपोर्ट में तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं, आपको अपने जूनियर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, वो आपको क्यों नहीं बताते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। हमें आपको अदालत में बुलाकर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यह आपको खुद ही पता होना चाहिए था। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्कूलों की व्यवस्था जल्द से जल्द सुधारी जाएगी। बेंच ने बताया कि हमसे कहा गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को किताबें, फर्नीचर और लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सचिव रिपोर्ट पर एक विस्तृत एफिडेविट जमा करें और जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित एक्शन लें। कोर्ट के इस आदेश के साथ मामले पर सुनवाई खत्म हुई। कोर्ट के एक्शन पर आप क्या राय रखते हैं कॉमेंट करके बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है मेरे साथी वैभावरी ने। मेरा नाम है हिमांशु। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली लल्लन टॉप। शुक्रिया।